नमस्कार सिम्बा, कितना खूबसूरत दिन है ना? सिम्बा क्या तुमने देखा? क्या तुमने सुना सिम्बा? सिम्बा, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या ढूंढ रहे हो? बताओ ना। जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने शिकार का अभ्यास कर रहा हूँ? कहीं और क्यों नहीं जाती? ठीक है, मुझे माफ करना सिम्बा, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं चलती हूँ, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, क्या तुम सिर्फ देखोगे या बात भी करोगे? नहीं, मैं। क्या हमने तुम्हें डरा दिया? बिल्ली को क्या चीप मिली है? मुझे माफ करना, आज से पहले मैंने ऐसे जानवरों को कभी नहीं देखा। क्या हमने तुम्हें डरा दिया? चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सही कह रही है, हम सबको अपने करीब आने देते हैं, हम सबसे दोस्ती कर लेते हैं, हमें शांति से रहना पसंद है। ठीक है, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा, मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। मूर्खो, जैसी बातें मत करो, तुम यही रखो, अगली बार तुम देखना हम तितलियाँ बन चुके होंगे। तितलियाँ? आप लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना, आपके पास कोई पंख नहीं है। अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी हम इनमें बुनाई करेंगे। आपको ये बुनना किसने सिखाया? आप सब तो एक ही उम्र के लग रहे हो। हम हैं। इससे पहले तुम हमसे और सवाल पूछो, को तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिम्बा हूँ, मैं जंगल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये सिम्बा है, सिम्बा? ये राजा शेर का बेटा है। सिम्बा, तो तुम राजा शेर के बेटे हो? हाँ मैं हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को जानती हैं? हर कोई उन्हें जानता है, वो हम सबके महान नेता थे। और हाँ, वो बहुत नेक दिल थे, वो हमेशा दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते थे। हाँ, बहुत बुद्धिमान और होशियार राजा थे वो, एक दिन मैं भी उनके जैसा महान बनूंगा। हाँ सिम्बा, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है। जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सवाल पूछता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझ पर गर्व करे। राजा बनने के लिए ये बहुत छोटा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है, तुम राजा बन पाओगे? ये मेरी किस्मत होगी, मैं जानता हूँ मुझे ये साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, अगर तुम राजा बनोगे तो तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। असल में हम कई प्रकार की तितलियों में से एक हैं, जो जंगल में इसी जगह रहती हैं। अगर तुम थोड़ी सी आगे जाओगे तो तुम्हें बहुत अजीब प्रकार के कीट पतंगे दिखाई देंगे, जो बहुत अजीब बनने जा रहे हैं। सच में? इसका मतलब वो भी आप लोगों की तरह व्यस्त होने जा रहे हैं और तितलियाँ बनने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी वो सिर्फ अजीब पतंगे होंगे और हम सुंदर पंखों वाली तितलियाँ होंगे, इसे कहते हैं काया पलट, हम सब यही करते हैं। ओह, क्या मैं और देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, और अगर तुम यहाँ लंबे समय तक रुकोगे तो हमें सुरक्षा कवच में देख पाओगे। ठीक है, मुझे इन सब के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, मैंने आज बहुत कुछ सीख लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से चुपके से उनके पास नहीं जा सकते हो। माफ करना, पर वैनेसा ने कहा मैं यहाँ आ सकता हूँ, वो शायद पहले पूरा खत्म कर सके। लगता है ये हमारी जासूसी करने आया है। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे इस धागे की बुनाई के बारे में कुछ बता सकते हो। आपको इस काया पलट के बारे में मालूम होना चाहिए, ऐसा तब होता है जब वो लार्वा सुंदर तितलियाँ बन जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, आपके पास तो पंख भी नहीं है। पहले तो तुम हमारे इलाके में आते हो और फिर हमें झूठा बोलते हो। अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं समझ गई, वो लोग तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेजा है। मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने इससे पहले ये सब नहीं सुना है, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बुरा मत मानो, वो समय से पहले खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो जब मैं राजा बन जाऊंगा तब आप लोगों के पास मेरे लिए समय होगा। अरे कहीं ये सिम्बा तो नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, राजा का बेटा होकर इसे कुछ नहीं पता, मगर ये सीख तो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, हम सब मिलकर इसे काया पलट के बारे में सिखा दे? मेरे पास आओ मेरे दोस्त, तुम्हें पता है मैं क्या जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ? ये एक टोपी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये टोपी की तरह दिख रहा है, ये मेरी ऊपरी सुरक्षा कवच है और मैं बहुत जल्दी इसमें सो जाऊंगी और जल्द ही हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगेंगे और हम आरामदायक महसूस करेंगे। ये बहुत नाजुक दिख रहे हैं, ये सुरक्षा कवच हमें बचा के रखते हैं जब हम सोते हैं। और हाँ, ये प्रकृति ने हमारा जीवन चक्र ऐसे ही बनाया है।
क्या? मैं समझा नहीं। काया पलट। काया पलट का मतलब होता है परिवर्तन। समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम जल्दी परिवर्तन देखोगे। हाँ, तुम तो छोटे अंडे की तरह दिख रहे हो। हम नाजुक दिख रहे हैं, लेकिन यही कवच हमारी सुरक्षा करता है। क्या तुम्हारा अंदर दम नहीं घुट रहा? हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी चलने की यही प्रक्रिया है। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अंदर सांस नहीं ले पाओगे। तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, हमारे लिए बड़ा होने का यही तरीका है। समझ गए ना तुम? हाँ। जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हें अपने सुंदर पंख दिखाऊंगी। फिर मिलते हैं। काया पलट प्रकृति का एक रहस्य है, हम इसे कभी नहीं समझा पाएंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ। देखो, तुम परेशान मत हो, हम इसे सच में पसंद करते हैं। हमें नए दोस्त पसंद हैं। हम जल्दी मिलेंगे। रुको, ये सब अपने कवच में सोने जा रहे हैं। उम्मीद है ये सब ठीक रहे। मैं तो दुविधा में हूँ। सिम्बा, तुम यहाँ हो? मैंने सुना है कि तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं साथ रहूंगा। तो सिम्बा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें यहाँ डर लगता है? मैंने जो देखा, तुम उस पे विश्वास नहीं करोगे। वो सब बुनाई कर रहे थे और बिना पंख के उड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत खराब सपना है। सच में आज तो सिम्बा बड़ा ही अजीब लग रहा है। चलो चल के देखते कि हम क्या कर सकते हैं। चलो। हाँ, ये अच्छा विचार है। क्या हुआ है सिम्बा, आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो? सिम्बा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम आज शेर खान के इलाके में गए थे? तुम परेशान हो। क्या तुम्हें शेर खान ने पकड़ने की कोशिश की? सिम्बा, तुम हमें बताओ कि क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। उन कीड़ों ने खुद को कवच में बंद कर रखा है, वहाँ वो सांस भी नहीं ले पाएंगे और कहते हैं वो उड़ेंगे। वो पाया कलट होने जा रहे हैं और दोबारा इस तरह नहीं हो सकते। उन्हें अब बुनने की क्या जरूरत है? ये बहुत उस जंगली बुखार है जो उसे भ्रमित कर रहा है। उसके पास मत जाओ, ये फैलने वाली बीमारी हो सकती है। तुम देख रहे हो ना, सैम भी कम नहीं है। क्या हो रहा है? आज सिम्बा अजीब सा क्यों लग रहा है? शांत हो जाओ, सिम्बा को कोई जंगली बीमारी हो गई है। देखो वो कैसे शांत है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तू जल्दी करो, एलेक्स को यहाँ बुला कर लाओ, इसी वक्त, उसकी जरूरत है। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जल्दी जाऊँगा। हाँ, बस थोड़ा जल्दी। हो सकता है शिकारियों ने इसका पीछा किया हो। हमें इसे घर ले जाना चाहिए। पतलू, नहीं नहीं, एलेक्स जल्दी यहाँ आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इसे घर ले जाना चाहिए। कितने बेबस हैं हम, है ना? ओ, देखो, शायद सैम आ गया है। बहुत जल्दी आ गया। माफ करना, उसे देखो पहले। हाँ, मैं बताती हूँ। नर्स, थोड़ी पत्तियां लेकर आओ। हाँ, हो गया।
ये लो मैं ले आई पत्तियाँ, हमें इसे यहाँ लगाना है ऐसे। क्या बदबू आ रही है? ये होश में लाने की दवा है, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा, देखती जाओ। मुझे लगता है वो घबरा गया है। सिम्बा तुम्हें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है मुझे सब कुछ बताओ, उससे मुझे तुम्हारी देखभाल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब हमें बलू की मदद करनी चाहिए, फिर मिलेंगे। अगस्त्या से बात कर लेना। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो अगस्त्या इंतजार कर रहा होगा। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अगस्त्या, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम बाहर आ सकते हो? सिम्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे आपसे बात करनी है। मैं उसके इस मजाक से परेशान हो जाता हूँ। जल्दी करो अगस्त्या, हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं यहाँ हूँ बख्शो, अब चिल्लाना बंद करो। अब मुझे सच में बताओ कि तुम्हें मिला क्या है हु? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन एलेक्स ने कहा है कि आपको पता होगा कि सिम्बा के लिए क्या करना है। तुम समझ सकते हो ना कि उसे कुछ अजीब सा दिखा है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी परेशानी का कारण यही है? अपनी योजना के लिए मुझे अपने साथ में रखना? नहीं अगस्त्या, ये गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि वो इन सब से समझ जाएगा मोटू। हाँ सही कहा, पर मुझे भूख लगी है। चलो देखते हैं। दरअसल हमारा सिम्बा घबराहट के कारण परेशान है, ये युवाओं में सामान्य बात है। तुम कोई ऐसी बात से परेशान हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मैंने जानवरों को झाड़ियों में कुछ बुनाई करते हुए देखा है। अच्छा, उन्होंने कहा वो सो रहे ताकि उनकी पाया कलट हो सके। तुम्हारा मतलब है काया पलट? मेरा मतलब वो सोने के लिए जाते हैं और तितलियां बन जाते हैं। तो ये सही है सिम्बा, काया पलट मतलब परिवर्तन। आज जो सिम्बा ने दिखाया काया पलट का अच्छा उदाहरण है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जो कीटों को तितलियों में बदल देती है। वो सुरक्षा कवच में सोते हैं। पर वो उसके अंदर कैसे जिएंगे? उन्हें घुटन हो रही होगी ना? नहीं, सिम्बा उनका सुरक्षा कवच उनकी रक्षा करता है जब तक उनके पंख नहीं आ जाते, समझे? सुरक्षा कवच रेशम के बने होते हैं, उसमें तितलियों का निर्माण होता है और पंख खाते ही उड़ जाती है। रेशम, सच में रेशम छोड़ जाती हैं वो? हाँ वो करते हैं, जब वो एक बार बाहर आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा जरूरत नहीं होती। रेशम केवल मनुष्य इस्तेमाल करते हैं, रेशम के कपड़े बनाते जैसे हैं। हमारे लिए सोना काफी नहीं, लेकिन पास पास। सुनो, हमें हमारे खजाने की चाबी मिल गई लगता है। काया पलट प्रगति का एक महान रहस्य है। कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग उलझन में थे, कल हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। कीड़ों ने बताया था कि हम दोस्त हो सकते हैं जब वो परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ, काफी बेहतर, शुक्रिया बक्शॉट। तो क्या तुम मुझे दिखाओगे कि वो कहाँ हाँ, है? क्यों नहीं, जरूर। पता है, तुम इसे जरूर पसंद करोगे, मुझे तो ये खोज बहुत अच्छी लगी। चलो मैं भी देखता हूँ कि वो क्या है। चलो मैं भी देखता हूँ। वो जा रहे हैं, क्या होगा अगर उन्होंने हमारे खजाने पे कब्जा कर लिया? तो हमें उनका पीछे करना चाहिए। वो खेलने जा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं पतलू? हमने पहले रेशम को खोजा होता जिससे कि हम अमीर बन जाते, और हम ये जानेंगे कि ग्राहक को किस तरह के रेशम पसंद है ना मोटू? हाँ, और पैसों कैसे बांटेंगे? मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छी योजना बनाएगा वही ज्यादा पैसे लेगा, है ना? तुमने मेरी आँख फोड़ दी, तुम इसीलिए कर रहे हो ना? वो गलती से लग गया। तुम मुझसे छुटकारा पा सको और सारा खजाना तुम्हें मिल जाए। तुम्हारा मतलब हम? हाँ, मुझे खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी गेंद यहीं कहीं गुम हो गई है। मुझे आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, इसके लिए तुम सिर्फ बाहर नजर रखो, मुझे पता है कि यही कहीं पे है। ठीक है, हम जानते हैं कि आप गेंद के बहुत करीब है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। वो चला गया तो, लेकिन उसने हमें खजाने का शिकारी बताया था। उसका मतलब गेंद था। रुको, जल्दी चलो बक्शॉट, मैं उन्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।
क्या तुमने उन्हें देखा? अब वो वहाँ है। यार थोड़ा आराम कर ले। तो तुम यही रुको, मैं खजाने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। कितना और आगे सिम्बा? बस मोड़ के पास ही है। आ चलो। मुझे ऐसा लगता है मुंह पे खजाना बस मिलने ही वाला है। आ जाओ। बस चुप रहो, सुन लेगा। ये क्या है? हाँ? वो? ये तो बस पक्षी है। बस पहुंच गए। इनमें से कौन सा है? वो वहाँ देख रहे हो, वो वैनेसा है। मैं पहले उसी से मिला था। बक्शॉट, क्या हो गया? मेरे पैर में कांटा लग गया जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रुको, हिलना मत, मैं इसे निकालता हूँ। शुक्रिया सिम्बा। ये तो सुई की तरह लग रहा है। ये कीड़े रेशम की बुनाई इसी से करते हैं और अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। वो मुकाबला कर रहे थे कि पहले कवच कौन बनाता है। ये सफेद गांठें हमें अमीर बना सकती हैं। हमें खजाने को पाने के लिए एक अच्छी योजना बनानी होगी। हाँ, सही कहा। मैंने यहाँ कुछ हिलने की आवाज सुनी। तो ये बात है, हमें इनसे दूर जाना चाहिए ताकि ये डरे नहीं। हाँ। हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं, हम समुद्री लुटेरे हैं, समझे? माफ करना, मैं भूल गया था। मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर आ रहे हैं और जल्दी वो उड़ना सीख जाएंगे। देखो कितना सुंदर है। वो बाहर आ, देखा मैंने। मजा आ गया। क्या बात है, अब हम इनके रेशम ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। वो कितनी सुंदर है। अगस्त्या ने हमें नहीं बताया कि वो इतनी सुंदर होती है। देखो मोटू, उसके जाते ही हमें हमारा खजाना मिल जाएगा। चलो देखते हैं बाकी की तैयार है या नहीं। ठीक है। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? चलो चल के देखते हैं, जल्दी। चलो जल्दी। वो देखो, वाह। तो अब पता चला है कि तितलियाँ कैसे बनती हैं और रेशम कहाँ से आता है। इस बार हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, क्या तुम्हें लगता है हम इन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे जमीन पे ना गिरा जाए? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे भी नहीं। देखो वो उड़ रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, लगता है जैसे सोने की बनी हुई हो। चलो खजाना इकट्ठा करते हैं। मुझे लगता है कि हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। कल जब सब चले जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं देखेगा, है ना? समझे मोटू? अब
अब हम सब वो चीज खरीद सकते हैं जो हमें पसंद है। तू संभल के। हे सुनो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ सिम्बा, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे इस नए रूप के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है। मैं नहीं जानता था तुम लोग बाहर आओगे तो इतने सुंदर लगोगे। शुक्रिया सिम्बा, हम भी हैरान हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हम दोस्त हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे और आपको हम तितलियों की दुनिया के बारे में और भी बातें बताएंगे और आपको आपके पिताजी की तरह एक महान राजा बनने में मदद करेंगे। उन्हें देखो कैसे उड़ रही है। काश कि हम भी ऐसे उड़ सकते। कैसे हो सिम्बा? मुझे यकीन नहीं था कि तुम हमारी काया पलट देखने आओगे। मैं कैसे नहीं आता? आज सिम्बा और बगशॉट ने तितलियों के काया पलट के बारे में कुछ सोचा है। आने वाले कल में वो और भी साहस के कार्य करेंगे। हम देखेंगे कि आगे वो और किन चीजों की तलाश करेंगे।